नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात के कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के चकचालपुर गांव से, जहां पर भगवाधारी सरकार में एक बार फिर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है। मिली जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ घर की महिलाओं की मदद से एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। एक साल से युवक द्वारा डरा धमका कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। साथ ही साथ युवक द्वारा लगातार किए जा रहे दुष्कर्म के चलते 13 वर्षीय किशोरी गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी युवक ने घर की महिलाओं की मदद से नाबालिग किशोरी की प्राइवेट झोला छाप अस्पताल में चोरी छिपे गर्भपात करा दिया। गर्भपात होने से नाबालिग किशोरी की हालत खराब हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर घर वालों के होश उड़ गए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपी युवक उसके परिवार के खिलाफ कोतवाली भोगनीपुर में 29 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित दलित परिवार ने कानपुर देहात SP के दरबार में भी फरियाद लगाई है, लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने के चलते आरोपी युवक परिवार समेत पीड़ित किशोरी के घर वालों को जान माल की धमकी दे रहा है। कहने वाली बात तो ये है कि योगी सरकार में दलित बेटी को आखिर न्याय कब मिलेगा? क्या योगी सरकार की पुलिस एक और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? कोतवाली राम बहादुर पाल भोगनीपुर द्वारा दुष्कर्म के आरोपी युवक को 2 दिन से कोतवाली में बंद करे हुए थे, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। लेकिन आरोपी युवक को बचाने को लेकर कोतवाली लड़की वालों पर पुलिसिया रौब दिखाते हुए समझौता कराने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ डर के कारण पीड़ित किशोरी के परिजन समझौता करने पर राजी होते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरे ओर एबॉर्शन करने वाली झोला छाप लेडी डॉक्टर, जो कि कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र में क्लिनिक का संचालन करती हैं, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करी है। अब देखना यह है कि योगी राज में इस कदर इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना पर एवं पीड़ित को उचित न्याय मिलेगा, या फिर ऐसे ही इंसानियत की चादर को फाड़ कर दरिंदे अपनी हवस का शिकार नाबालिग को बनाते रहेंगे। नाम है आपका? रामपाल। अच्छा रामपाल जी, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई, क्या पूरा मामला है? हमारी घटना ये हुई सर, हमको जानकारी तो हुई नहीं थी पहले, अब जानकारी 23 तारीख के बाद 2-3 दिन बाद जानकारी। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली इन्हीं के घर से, हमारी बेटी को ले गए पहले चुपचाप। कौन कौन ले गया? रिपिटी, हम नाम नहीं मालूम है उनका, इनके तीनों को वहाँ ले गई रात में। उसी दिन हमारी बिटिया की शादी थी, एक चाचे भाई की बिटिया की 21 तारीख को, उसी दिन रात के ले गए और रातें के छोड़ गए जाके, ये पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ हम लोग जान नहीं पाए। और उसके बाद जब जानकारी मोहल्ले वाले इन्हीं लोगों से जानकारी पूरे मोहल्ला में फैली, तो हमको जानकारी जब मिली तो हमने फिर इनको हड़काया थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ है आपकी बेटी साथ, क्या घटना को अंजाम दिया गया है? ना तो यही कि हमारे साथ बच्ची के ये गलत काम करती रही, लुआ कर जाती रही अपने घर में बला फसला करके, और धमकाती रही और हड़काती रही सर। अरे बच्ची के साथ में ऐसा क्या हुआ जो ये रात में ले गए और फिर इसके बाद में छोड़ गए? सफाई कराई है। हाँ, तो जानकारी सफाई करवा के हमारे घर में छोड़ गई। तो प्रेग्नेंट थी बच्ची? हाँ। बच्ची की उम्र कितनी है? 13 साल। तो आप कह रहे 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी, कुछ लोग बुलाते थे, गलत काम होता था, गलत काम करवाते थे सर। आप इसमें थाने में शिकायत की आपने? शिकायत की हमने। क्या कार्रवाई हुई? हमारी कोई कार्रवाई भी नहीं हो चुकी है, अभी दर्ज नहीं हुई है। 3-29 तारीख को हमारी लगी थी वो एप्लीकेशन, अभी तक कोई सुनवाई। अब आप क्या चाहते हैं? हम रिपोर्ट चाहते हैं कि रिपोर्ट में जाए, लेकिन आज भी गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज जाओ, कल आना, कल का परसों आना, 3-4 दिन हो गए, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही, नहीं किया गया अभी तक। तो उसमें के साथ में सख्त कार्रवाई की जाए। आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई हम चाहते हैं। ऐसी क्या कार्रवाई होना चाहिए जिससे आप संतुष्ट होंगे? सजा होना चाहिए, सजा फांसी। सब क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना हुई, ये लोग मतलब रानी पिंकी अंतिमा, ये लोग बेला फुलाकर घर बुलाती रही हैं, मेरे साथ ऐसा गंदा काम कराती रही हैं। जब मतलब कि मेरे पेट में बच्चा, ये लोग 21 तारीख को मेरे घर में शादी थी, ये लोग रात को गई है, रातों को मेरे घर में, मेरे घर में छोड़ गई है, धमकी, जान से मारने की धमकी भी दी थी। अच्छा, तो कहाँ ले गई थी लोग?
अस्पताल ले गई थी, देवपुर में एक अस्पताल है वहाँ से ले गई थी। क्या नाम है अस्पताल का? अस्पताल का नाम नहीं पता है। तो वहाँ भी आपको ट्रीटमेंट करवाएगी आपको? वहाँ हाँ। कौन कौन गया था साथ में? रानी, पिंकी, अंतिमा। किस लड़के ने आपसे गलत किया, उसका नाम क्या है? बड़े लाला। और कोई है साथ में? इसके पिता का नाम क्या है? भूप नारायण। जी ये बताइएगा क्या लड़की के क्या घटना हुई है? घटना सर हम तुमको बताते हैं, हम कुछ दूर पर रहे थे, जी लोग कर रहे थे, हमें कोई जानकारी भाई ना, जानकारी भाई जब इस लोग सफाई करा के मतलब आ गए तब ये लोग हल्ला मचा भाई ना। अच्छा लड़की है और रिश्ते में कौन है आप, उनकी कौन है आप? हमारे कोई नहीं है। नहीं लड़की आपकी कौन है? नातिन। नातिन है आपकी? नातिन है, नातिन है जी। कौन कौन गलत काम करते थे, नाम बताइए उनके। बड़े लाला। बड़े लाला उनकी बहू है, उसकी लिवा जाती नहीं, वो देवर है उसका, देवर है बड़ा बड़ा वाला। तो कहने मतलब है कि देवर द्वारा गलत काम किए गए हैं? देवर के साथ। अब आप क्या चाहती हैं आप? हम तो साहब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनका होना चाहिए, आप कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल,